अभी पप्पू यादव जी जाप सुप्रीमो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तारावाड़ी थाना में पहुँच रहे हैं। और क्या कुछ पहले वो जो इस वक्त मैं ताराबाड़ी थाना के बिल्कुल आगे में खड़ा हूं दोस्तों, जो जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, वो आए हुए थे। पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद जो जिला परिषद आकाश राज हैं उनके घर पर आए। पप्पू यादव से खास बातचीत में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप जरूर सुनिए। सर, सबसे पहले ताराबाड़ी का जो घटना हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अरे यार, दिल्ली तो यही नज़रिया हम बोलते हैं, कुछ बचा हुआ है जो हमें तो जानकारी यूपी में मिली कि ऐसी घटना घटी है। हम वहीं से तत्कालीन आईजी साहब से बातचीत किए पूर्णिया, हमने कहा कि इसको रोकना चाहिए और जांच का विषय आप जाँच करें किस परिप्रेक्ष्य में, बिना महिला पुलिस के वाइफ हस्बैंड को लाया गया बाद में, और जो भी प्रेम प्रसंग हो। फिर थाना ऑन ड्यूटी दोनों कोई ना कोई एसआई रहता है, संतरी ड्यूटी रहती है, तो क्या उस वक्त मात्र एक चौकीदार पर थाना था जो अकेले सो गए, एक और लड़के उसमें देखे जा रहे हैं, वो कौन है? जब दोनों अलग अलग हाजत या अलग अलग जगह बंद है तो फिर यह परिस्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई कि दोनों एक जगह है, उन्हें कपड़ा कहाँ से मिला? एक दूसरी चीज, उसके पूर्व का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है और उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? क्योंकि उनकी परिजन का कहना था बहुत क्लोज हमसे कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, परिजन का कहना, मेरा नहीं कहना। बलात्कार के कारण पहले और बाद का सीसीटीवी फुटेज जो कंटिन्यू है वो नहीं दिख रहा, वो कहाँ थी, सीसीटीवी फुटेज को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? और परिस्थिति क्या बनी, इसकी जांच वो चाहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी लड़की की जांच चाहते हैं। तीसरी चीज, उन लोगों का कहना था कि किसी को कोई आक्रोश नहीं था, गुस्सा तब उत्पन्न हुई जब वो दोनों लाश दिखाने से मना कर दिए, लोगों के भीतर आक्रोश तब पैदा हुआ कि लोग का कहना था कि परिवार को आप लाश दिखा दीजिए, पोस्टमार्टम में ले जाके फिर सौंप दीजिए। लाश नहीं दिखाने के कारण लोगों के भीतर धीरे 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 गुस्सा फैलता गया और पब्लिक जमा होती गई। जब 5,000 पब्लिक जमा हो गई तब भी आप परिजन के कहने पर वो उनको दिखाए नहीं, तो घटना की परिणति हुई। घटना को लोगों ने, कुछ लोगों ने साजिश भी रच दिया और जिसमें रोड़ा पत्थर और पुलिस के द्वारा फायरिंग जो भी, जिसके चलते चोटें भी लगी, जो गलत है। मेरा सवाल इसमें यह है कि सस्पेंड वो लोग हुए जो मौके पर ड्यूटी में थे, अब बनता है जांच
और जांच की प्रक्रिया, SFL की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और CCTV फुटेज, ठीक है। पत्थर लगी, 30-30 पुलिस घायल हुए, DSP साहब को भी चोट लगी, लेकिन आकाश तो DSP साहब को ले गए इलाज कराने के लिए। और CCTV फुटेज कहता है कि आकाश लोगों को रोक ही रहा था। एक होता है एग्रेशन में नारा देना या स्पीच दे करके उसकाना, एक होता है मोब को नेतृत्व करना। तो ना वो स्पीच दे के एग्रेशन में लाए लोगों को, ना वो मॉब का नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर उनके घर में ढूंक करके उनके भाभी को बेरहमी से पूरा पार्ट पे पूरा जगहों पर मार के बर्बाद कर देना। 4 दिनों से फीवर है उनकी भाभी को, इनके ससुर का पता नहीं है, इनके पति का पता नहीं है, इनके अन्य कई परिजन हैं जिसको पीटा गया घेर घेर के। 5 दिनों से बाजार बंद है, ये बाजार बंद है तो ये तो आम लोग परेशान हैं। और आम लोग दहशत में, लड़कियों के गांव में सैरन जब बजता है तो पूरा का पूरा भर रात लोग मच्छर कटाते हैं। औरतें हमसे शिकायत कर रही थी कि हम लोग बस पिट्टी में सोते हैं, इसमें लोगों का क्या दोष है। और यदि कोई CCTV फुटेज में उसका भी रहा है तो आप कोर्ट से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, वारंट निकालिए, कुर्की निकालिए। आप उसके घर में जाके उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी माँ बहन बेटियों को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि तुम लोग को भी ले जाएंगे, तुम्हारा भी नाम डाल देंगे। पूरा का पूरा दहशत का वातावरण है। और 5 दिन ताराबाड़ी नहीं खुलना, 5 दिन से ताराबाड़ी नहीं खुलना। तो हमारे आने का तो मकसद यही है ना कि लोगों में एक उम्मीद, एक विश्वास और लोगों के भीतर एक डर पैदा ना रहे। दोनों परिवार को मैंने 20-20 हज़ार रुपया भी मदद की ताकि दोनों मछुआरा परिवार कुछ न कुछ व्यापार कर ले। एक तरफ 2 माह का बेटा, एक तरफ 2 माह का एक का बेटा चला गया। तो हमारा दायित्व था उसकी मदद करना, इसलिए आए। दूसरा दायित्व था कि इस इलाके में सारे जनप्रतिनिधि को कैंप करने की जरूरत थी। यदि वो आ गए होते तो आज पप्पू यादव की जरूरत नहीं थी। जी सर, मेरा यही सवाल था कि निश्चित रूप से सारे MLA MP को यहाँ कैंप करने की, मंत्री संतरी को कैंप करना चाहिए, और भी अगल बगल में जो जिले के MLA हैं, ये उनकी भी दायित्व बनती है। ये छोटी घटना नहीं है। इस तरीके से बेरहमी से छत पे जाके अररिया थाना में जाके पीटना, वहाँ का भी CCTV फुटेज लाइए। और आकाश की स्थिति अच्छी नहीं है, और जिसको मैं कह रहा हूँ कि दोषी आप मेडिकल पर कार्रवाई करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्दोष को पर तो जुल्म मत कीजिए, परिवार और माँ बहनों पर तो जुल्म नहीं कीजिए, ताराबाड़ी के निर्दोष व्यापारी पर तो जुल्म मत कीजिए, और उसकी पूरी मेडिकल जांच करवाइए आकाश की, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम आग्रह करेंगे SP साहब से, पूरी मेडिकल जांच हो। गोली लगने की भी बात सामने आई है आम लोगों, इसीलिए लोगों को गोली लगी है, ये गलत है। ठीक है, कुछ लोगों के साजिश के तहत घटना घट गई, लेकिन ये साजिश का मौका किसने दिया? प्रशासन ने। कई तरह की चर्चा उठ रही है कि उस बच्ची, मासूम बच्ची के पोस्टमार्टम भी होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो अब रिपोर्ट आने दीजिए उनका, और भी रिपोर्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर इस पर हम लोग बहुत मजबूती से आगे कार्रवाई करेंगे। IG साहब से बातचीत हुई है, SP साहब, DSP साहब सबसे बात करेंगे, और हम यही कहेंगे कि जुल्म मत करिए, दहशत का वातावरण नहीं बनने दीजिए, और डर का लोकतंत्र में और संविधान में कोई जगह नहीं। जब अपने लोग सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, लेकिन वो उम्मीद टूटा है ताराबाड़ी के लोगों। भैया कभी भी, इसके पहले भी, आज जो छपरा में घटना घट रही है, पहले भी छपरा में घटना घटी थी जहाँ हम कैंप किए थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति शुरू कर दिया गया था, फिर यादव राजपूत की राजनीति हुई वहाँ, जैसे अभी चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड मुंगेर में किए गए। चुनाव तो कल ख़त्म हो जाएगा, कभी आप बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी किसी जात को गाली देते हैं, कभी आप हिंदू मुसलमान करते हैं,
साथ रहते हैं, दुकान एक ही है, परिवार एक ही है, श्राद्ध बरकी में साथ आते हैं, एक साथ जीते हैं, और चुनाव आते ही हम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन बनाने वाले नेता, तो हालात अच्छे नहीं हैं। छपरा पूरा तनावग्रस्त है, वहाँ जाना चाहिए सबको, यहाँ पूरा दहशत में है और निर्दोष लोग भी जेल में चले गए। तो जो आपको बचाया, जो DSP साहब को इलाज कराने ले गया, उसको आप बुरी तरीके से हजारों लाठी मार के उनकी भाभी को पर जुल्म करके जो हालात किए हैं, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देती। और इसमें हमें जितनी ताकत होगी इसकी न्याय कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।